नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। वोकैब विद फन का ये 10th पार्ट है और मैं ज्यादा बात न करते हुए डायरेक्ट वोकैब पर आता हूं। जो पहली वोकैब है वो है मीरत। मीरत का मतलब क्या होता है? आनंद होता है, आनंद, खुशी, अनुभव, प्रमोद हम कह सकते हैं, उल्लास हम कह सकते हैं, मतलब हैप्पीनेस, हैप्पी। तो हम इसको याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं। मीरत की स्पेलिंग MIRTH। तो हम मीरत को हम मैथ पढ़ लेते हैं तो हम एक लाइन बना सकते हैं कि मैथ पढ़कर मुझे खुशी अनुभव होती है, खुशी होती है। हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। हमें याद करना है, हमें से कोई नहीं पूछेगा भाई इसको कैसे बोला जाता है, हमें याद करना है। उसके बाद जो वोकैब आती है वो आती है वेटरनन। तो वेटरनन का मतलब क्या होता है कि अनुभवी। तो वेटरनन को हम स्पेलिंग देखें तो VETER, ऐसे VETER। तो हम इसको एक चीज देखें, हम इसको वेटर पढ़ सकते हैं, वेटर। तो वेटर हम एक लाइन फिर बना सकते हैं कि हमारे सारे वेटर क्या है, अनुभवी है। उसके बाद क्या आता है, हाँ, एस्पिनोज का मतलब होता है जासूसी। तो एक चीज देखें, एस्पिनोज लास्ट में क्या है, NAGE या NAG, नाज। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एसपी पर नाज, कि हमें हमारे एसपी पर नाज है, वो जासूसी बड़ी ही बेहतर ढंग से करता है या जासूसी करने में बड़ा माहिर है। तो मतलब क्या है, एस्पिनोज का मतलब जासूसी। उसके बाद आता है कि लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का अर्थ होता है आलोचना करना। तो लैम्बेस्ट का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। तो इसमें आप देखिए लास्ट में क्या, BASTE, इसको बस्ते पढ़ सकते हैं या बस्ता पढ़ सकते हैं। और स्टार्टिंग में क्या है, LAMBA, लंबा। तो लंबा बस्ता या लंबा बस्ते ऐसे कर सकते हैं। तो हम लंबा बस्ता पढ़ लेते हैं। तो हम एक छोटी सी लाइन फिर बना देते हैं कि हम, आप हमेशा लंबा बस्ता लेकर जाते हैं इसलिए सभी लोग आपकी आलोचना करते हैं। मतलब लंबेस्ट का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। उसके बाद आता है हैसले। तो हैसले का मतलब होता है बाधा या अवरोध, मतलब रुकावट। हैसले का मतलब रुकावट या बाधा। तो हम इसको हसले पढ़ लेते हैं, हसले। फिर एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं कि हसले भाई ये बाधा भी पार हो जाएगी, या हंसते हंसते हसले, हाँ ऐसे कर लेते हैं, हसले भाई ये बाधा भी, मतलब ये रुकावट भी दूर हो जाएगी। मतलब क्या है कि हम, हमारे आगे कोई बाधा आई है और हम उसको हंसते हुए निकाल रहे हैं, मतलब हंसले भाई ये बाधा भी दूर हो जाएगी। मतलब बाधा का असली का मतलब बाधा। उसके बाद आते हैं ब्लेज। ब्लेज ये आसान सी वोकैब थी। ब्लेज का मतलब होता है चमकना। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ब्लेज, BLAGZE। तो ब्लेज, ब्लेज को हम ब्लेजर पढ़ लेते हैं। तो हम एक छोटी सी लाइन बनाते हैं कि ब्लेजर एक पहनने का एक वस्त्र कह सकते हैं, कि ब्लेजर पहनने के बाद वह चमकने लगा, या ब्लेजर पहनने के बाद मैं चमकने लगा, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है वोकैब की रेस्पिट। रेस्पिट इसको दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। रेस्पिट का मतलब होता है आराम। तो इसको देखें आप, इसकी जो स्पेलिंग है RES, तो हम इसको रेस पढ़ लेते हैं, और PITE, तो PITE को हम पीते भी पढ़ सकते हैं, या हम अगर देखा जाए तो RES रेस और SPITE, इसको हम स्प्राइट पढ़ लेते हैं। स्प्राइट एक हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रेस पीते या रेस स्प्राइट, हम इन दोनों तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो हम लाइन कैसे बनाते हैं कि रेस लगाने के दौरान स्प्राइट पीने से आराम मिलता है। रेस लगाने के दौरान स्प्राइट पीने से आराम मिलता है, या हम इसको ऐसे करते हैं कि रेस लगाते समय हम पीते हैं आराम और आराम करते हैं, क्योंकि हमने PITE यदि पीते लगाए तो हम क्या कह सकते हैं, रेस लगाते समय हम पीते हैं और आराम करते हैं, मतलब आराम करना रेस्पिट का अर्थ होता है। उसके बाद आता है कि ट्यूटिलेज का मतलब होता है संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा मतलब। तो हम इसको याद कैसे करें, इस पे आ जाते हैं, TUTE, टूटे, टूटे कर लेते हैं, और लेग्स मतलब बैक, लेग पढ़ लेते हैं उसको, तो पैर मतलब टूटे पैर, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेग का मतलब पैर है ना, तो टूटे लेग। तो हम इसको एक लाइन सी बना लेते हैं कि टूटे लेग मतलब पैर, टूटे लेग वाले व्यक्ति
व्यक्तियों का संरक्षण जरूरी है, मतलब जो हैंडीकैप्ड, मतलब टूटे व्यक्तियों या टूटे लेग वाले व्यक्तियों का संरक्षण जरूरी है, प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके बाद आता रोब, ये रोबरी से हम इसको याद कर सकते हैं, उसका ही पार्ट है। तो रोब का मतलब होता है लूटना, आर ओ बी, तो रोब इसको हम रोब ही पढ़ लेते हैं। तो हम इसको एक लाइन से याद कर सकते हैं कि डाकुओं ने अपना रोब दिखाकर बैंक वालों को लूट लिया। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रोब का मतलब लूटना। उसके बाद आता है अमेटी का मतलब होता है मित्रता या भाईचारा हम कह सकते हैं। तो इसको अमेटी का मतलब भाईचारा, तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, MITY, इसको हम मिट्टी पढ़ लेते हैं, और ए का मतलब ए है, तो ए मिट्टी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हम एक छोटी सी लाइन फिर बना लेते हैं कि ए मिट्टी से हमारी पुरानी मित्रता है, मतलब मिट्टी से हमारी पुरानी दोस्ती है, मिट्टी मतलब दोस्ती मित्रता, कि कह सकते हैं कि ए मिट्टी से हमारी पुरानी दोस्ती है या मित्रता है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मिरत, मिरत का मतलब हमने क्या कहा था कि खुशी, मैथ पढ़कर मुझे खुशी अनुभव होते हैं या खुशी मिलती है। इसके बाद था वेटर, वेटर का मतलब क्या था, हम वेटर से डिनोट किया था, और इसका मतलब क्या था, अनुभव, हमारे सभी वेटर अनुभवी है। उसके बाद हमने क्या किया था, एस्पिनोज मतलब हमने जासूसी किया था कि एस्पिनोज को हमने एसपी पर नाज करके हमने याद किया था कि हमारे एसपी पर हमें बहुत ही नाज है, जासूसी बहुत ही अच्छी, जासूसी करने में काफ़ी माहिर है, मतलब ये जासूसी इसका अर्थ है। इसके बाद आता है लंबेस्ट, लंबेस्ट मतलब लंबा बस्ता, और इसका मतलब क्या था, आलोचना करना। लंबा बस्ता लेकर आप स्कूल में जाते हैं तो आपकी आलोचना होती है, हम इसको ऐसे करके हम याद किया था। उसके बाद था हैसले, हैसले मतलब बाधा, कि हमने हैसले भाई ये बाधा भी पार हो जाएगी, मतलब हैसले का मतलब बाधा। उसके बाद था ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या था, चमकना, ब्लेजर पहनने के बाद वह चमकने लगा, हम इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद था रेस्पिट, रेस्पिट का मतलब था कि आराम करना, ठीक, रेस्पिट, तो रेस पीते, हमने दो तरीके से इसको याद किया था कि रेस करते समय हम पीते हैं और आराम करते हैं, या रेस लगाने के दौरान हम स्प्राइट पीने के बाद आराम करते हैं, हम दोनों तरीके से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद था टूटे, क्या था, ट्यूटलेज, ट्यूटलेज का मतलब होता है संरक्षण, मतलब टूटे लेग, टूटे लेग वाले व्यक्तियों का संरक्षण करना चाहिए, हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, संरक्षण करना। उसके बाद था रोब, रोब हमें रोबरी से भी हम इसको डिनोट करते हैं दोनों का अर्थ, तो लूटना, तो लूटना रोब, कि डाकुओं ने अपना रोब दिखाकर बैंक वालों को लूट लिया, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद था एमेटी, ए मिट्टी, ए और मिट्टी मतलब, एमेटी का मतलब होता है मित्रता या भाईचारा हम कह सकते हैं, तो ए मिट्टी से हमारी पुरानी दोस्ती है या मित्रता है, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ वोकैब याद होने में मददगार रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको कुछ समझ में न आया हो इस वीडियो के दौरान तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।